So, what's your good name? सर माय नेम इज आशा सरोज कुमारी। Okay. So, आशा, first of all, introduce yourself. सर आई हैव डन माय 10th फ्रॉम एसएस हाई स्कूल बचरा चतरा डिस्ट्रिक्ट एंड 12th फ्रॉम इंटर कॉलेज बरही एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम विनोद भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन 2013। आफ्टर 2 ईयर्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम एंड लेटर शिफ्टेड माई होल स्टडी टुवर्ड्स सिविल सर्विस एग्जाम। Okay, so if you are already preparing for civil services, so why you want to join IB? सर सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन वेर इन आई बी दैट्स वाई। एक तो मुझे पहले से एक इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो साइड बाई साइड ये जब फॉर्म आया तो मैं आई बी की भी फॉर्म भर दी। इसके Okay. अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड संस्था है, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। ओके तो आईबी ही क्यों? इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कोप हैं अगर आप देखा जाए गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो आप आईबी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाट इज द बेसिक इंटेंशन ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड? सर बेसिक इंटेंशन अगर लिटरली सिंपल वे में बोलूं तो आई नीड अ जॉब सिक्योरिटी ओके एंड आईबी इज प्रोवाइडिंग मी, आईबी विल प्रोवाइड मी गुड हैंडसम सैलरी एज वेल एज आई विल लर्न सेवरल थिंग्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आई ऑल्सो लव टू कनेक्ट विद पीपल, दैट्स वाई। ओके दैट्स गुड। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आईबी इन इंडिया? व्हाट इज द रोल ऑफ आईबी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया? सर बेसिकली आईबी कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन सो दैट एनी अपकमिंग ट्रेजिक सिचुएशन कैन बी अवॉर्टेड विद इन टाइम। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जो कल ही जो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई थी कि नागा इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो अटैक करने वाले असम राइफल्स में या फिर वो ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है ये आईबी का है। उसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट है जिसपे दूसरी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी जो लगी हुई हैं, उसको भी उस फील्ड में भी आईबी काम करती है ताकि दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी रोका जा सके या मॉनिटर किया जा सके वो क्या प्लान कर रहे हैं। ओके इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आईबी एसीआईओ इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ करेंट और रीसेंट टॉपिक जो सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं और जो करेंट टॉपिक्स हैं उनको भी इसमें कम्प्लीटली आपको कवर किया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक जो है करेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और 100+ यहाँ पे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। सो व्हाट डू यू थिंक विद रिस्पेक्ट टू राइट्स इन इंडिया? देयर आर वेरी इंसिडेंट ऑफ राइट्स, राइट? राइट्स मीन्स हमने के देखे कई सारे दंगे हुए हैं हाल ही में अगर देखा जाए कुछ सालों में, तो उसके पीछे जो दंगे हुए हैं उसमें आईबी का क्या रोल रहा है, उसको मतलब खत्म करने के पीछे या कैसे उसको अटैक काउंटर अटैक करना था, उसको कैसे बेसिकली सॉल्व करना था इश्यू, तो उसके उसको देख करके आईबी का क्या रोल रहा उसमें? सर कुछ ऐसे जो हॉटस्पॉट होते हैं जहां पे दंगे हो सकते हैं तो उन क्षेत्रों में जितने भी ऐसे कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो दंगे स्पेशली कुछ ऐसे भड़काऊ मैसेजेस भेज दिए, मॉक वीडियोस भेज दिए जिससे कि जो अनअवेयर जनता है वो भड़क जाए, तो इन सबको काउंटर करना करने में आईबी का एक महत्वपूर्ण रोल है। और ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। अगर दूसरे स्टेक होल्डर से आईबी कनेक्ट कर लेती है कि ऐसे, और सोशल मीडिया नेटवर्क जितने भी है फेसबुक ट्विटर जिसके थ्रू ये सारे मॉक वीडियोस भेजे जाते हैं, तो आईबी उनके थ्रू ये रोकने में समर्थ हो पाती है। ओके सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन और हाउ इट विल रेडिकलाइज या
हाउ इट विल इम्पैक्ट द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री? सर रेडिकलाइजेशन बेसिकली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, उसके अलावा आईसिस के जितने भी ऐसे संगठन हैं, मुजाहिदीन के जितने भी लोग होते हैं, वो स्पेशली इंटरनेट के थ्रू या फिर ऐसे अपने ऐसे आइडियोलॉजी को इंडिया में या फिर दूसरे कंट्रीज में सेंड करते हैं ताकि यूथ भड़क जाए। जितने भी ब्रेन वॉश पीपल होते हैं उनको रेडिकलाइज करना उनका मेन मकसद होता है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ दैट विल मेक यू एन एथलीट इन आईबीएस? सर आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक और मैं कभी हार नहीं मानती। जो जितने भी सिचुएशंस होते हैं मैं चाहती हूँ उसे हैंडल कर सकूं। उसके अलावा मैं ऑब्जर्वेंट हूँ और जैसे मैं चीजों को ऑब्जर्व करके वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। Okay. वो बाद में कहीं ना कहीं मुझे ख्याल आता कि ये चीज मैं देख चुकी हूँ पहले। Okay. और मैं पीपल से अच्छे से कॉन्टेक्ट कर कनेक्ट कर सकती हूँ और मेरे में एम्पैथी काफी ज्यादा है जिससे उनकी प्रॉब्लम्स इश्यूज को बेटर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ उनकी मेन समस्याएं क्या है। ओके, तो सपोज देयर इज सिचुएशन इन व्हिच यू आर असाइन एंड टास्क, ठीक है, आप इसी एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आपको कुछ काम दिया जाता है करने को और एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाती है कि आपको वो काम 2 दिन के अंदर करना है, लेकिन नॉर्मली वो काम थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब आपको नॉर्मली अगर आप अपनी स्पीड से करते हो तो 3 से 4 दिन आपको मिनिमम लगेंगे, लेकिन आपको कहा जाता है कि उसको विद इन 2 डेज कम्प्लीट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर मैं अपने कलीग्स की भी मदद ले सकती हूँ। ओके, या फिर जो मेरे जूनियर से मैं उनसे भी कह सकती हूँ कि इफ दे कैन हेल्प मी टू हैंडल दैट वर्क। और मैं जितना अपनी जितनी स्ट्रेंथ है मैं उसके हिसाब से वो काम जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूंगी। ओके, गुड, वेरी नाइस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, डू यू नो व्हाट आर द मेजर इश्यूज एट प्रेजेंट टाइम आवर कंट्रीमैन फेसिंग? सर राइट नाउ कंट्री इज फेसिंग फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी साइड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। ओके, सर सबसे बड़ी बात तो अभी जिस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, हमारा इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की एक इमेज अच्छी बनी हुई है, तो एक इंडिया भी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है राइट नाउ। लेकिन हाँ एक ऐसे भी मुद्दे हैं जैसे कि जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज है वो इंडिया को डोमिनेट करने की या इंटरनली डेवलपमेंट रोकने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सर वो मैं वर्ड भूल रही हूँ, तो जो एक्टिविज्म के नाम पे, जिस तरह से एक्टिविज्म के नाम पे डेवलपमेंट को रोकने का काम किया जा रहा है, एक वो इशू है। दूसरा भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट की बात की जाए तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, नार्को टेररिज्म इज अनदर बिग इशू। अदर देन दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज आल्सो इंक्रीज्ड आफ्टर COVID-19। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी हम लोगों ने देखा था कि बीच में काफी सबसाइड हो गया था, दे आर नाउ अगेन रीग्रुपिंग एंड रीआर्मिंग देमसेल्व्स। और नक्सलिज्म का जो मुद्दा है वो अब ग्राउंड लेवल या विलेज लेवल से शिफ्ट होकर वो अर्बन एरियाज की तरफ जा रहा है। रिसेंट सेटबैक तो हमने देख लिया महाराष्ट्र में जो भी हुआ था गढ़चिरौली में, लेकिन जो ये शिफ्ट है ये अर्बन एरियाज में जा रहा है और जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इस आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मेन मुद्दा है जिसमें काम करने की जरूरत है। okay. बाकी जो चाइना के साथ जो इंडियाज की इशू है उनमें उसमें भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज को अपनी तरफ जोड़ने की जरूरत है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। आपने जो है जो पॉइंट्स बताए हैं वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि एज अ कॉमन कंट्रीमैन मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, आई एम जस्ट आई विल थिंक अबाउट दिस। ओके, एज अ कॉमन पर्सन यू आर लिविंग इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर इश्यूज यू फेस इन योर डे टू डे लाइफ, व्हाट आर द इश्यूज दैट यू कन्फ्रंट विद? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ऑल। Okay. Okay. Not about the security or national interest. That is the other thing. That will be a broader perspective.
I'm just want to know about the as a common perspective. What is the role of a common person, or what they impact? How they are impacted by our different policies, or what we are confronting? Sir, right now we are facing more of unemployment issue in India. Okay. And that is major. Other than this health issue, में तो हमने बहुत अच्छा कर लिया है in last 2 सालों में. एक environmental issue है और जिसे लोगों को खुद सुधारने की जरूरत है. उन्हें अपने mindset, अपने डे टू डे जितने भी कार्य वो जैसे करते हैं उसमें सुधार लाने की जरूरत है. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें करेंटली, हैव यू हर्ड अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग? यस सर. व्हाट इज इट, और व्हाट आर द स्टेप्स एक्चुअली इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग? सर, मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली जो इलीगल तरीके से जो इकट्ठे किए गए धन है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना. इसमें 3 प्रोसेस होते हैं. पहला तो इलीगल तरीके से की गई मनी को पहले लेयर किया जाता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ, फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है तो कैसीनो और जितने भी ऐसे ब्लॉक्स होते हैं वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ जो मीडिएटर होते हैं खुद एक कुछ ऐसी पेंटिंग बेचते हैं और वो खरीदने वाला भी एक मनी लॉन्डरर ही होता है. और बुक में ऐसा अकाउंट बुक में दिखा दिया जाता है कि वी हैव परचेस दिस थिंग, और इस तरह से वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. यू हैव टॉक अबाउट लेयरिंग एंड प्लेसिंग. हाँ, इसके बाद इसे इसे इकोनॉमी में वापस से इंक्लूड कर दिया जाता है. ओके, सो इट इज इंटीग्रेशन. और इसकी ट्रेसेबिलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि कहाँ से मनी आया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये वापस इकोनॉमी में इंक्लूड, और उसके ट्रेस बहुत कम मिल पाते हैं. गुड. Now, if you talk about in terms of your personality, what do you think, are you capable of handling this type of job or the situation that arise in this job? Yes, sure, sir. मुझे ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं ऑब्वियसली अपने जो स्किल्स हैं उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करूंगी और इस जॉब के लिए अपने आप को कैपेबल बनाऊंगी. ओके, और जो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान जो भी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी हैं, ये मुझे आईबी में दूसरे सेक्टर में भी काम करने के लिए एक हेल्पफुल होगा. ओके, सो डू यू थिंक हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू योर जॉब? योर डिग्री विल बी, हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट नॉलेज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस? सर, हम लोगों ने जैसा देखा कि अभी साइबर थ्रेट सबसे ज्यादा एक फिफ्थ वॉर के रूप में उभर कर आ रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क को सबसे ज्यादा खतरा होता है. जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि किस तरह से रेडिकलाइज किया जाए, इस टूल को, इस नेटवर्क को यूज किया जाए थ्रेट एक दूसरे कंट्री को हार्म पहुंचाने में, वहां के यूथ को रेडिकलाइज करने में. यहाँ तक कि जो पावर सेक्टर्स होते हैं दे आर ऑल कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन नेटवर्क. अगर 2 लोगों के बीच में ऐसे कुछ बातें हो रही है अटैक को लेकर या फर्दर स्ट्रेटजी को लेकर के, तो हम एआई टूल्स की मदद से उसको डिकोड कर सकते हैं कि उन दोनों में क्या बातें हो रही. दे टॉक इन कोडेड लैंग्वेजेस, सो वी कैन यूज आवर ओन कम्युनिकेशन स्किल एंड विथ एडवांस टेक्नोलॉजी टू टैप ऑल दोज कॉल रिकॉर्डिंग.